इस दौर में 10 साल के बच्चे भी मिलियनेयर्स हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा यकीनन। मैंने भी यू टर्न लिया ना, मैं इंजीनियर था, मैं कॉपी राइटर बना बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहजाद खान है, आई एम अ फ्रीलांस कॉपी राइटर विद 12 million dollars इन सेल्स जनरेटेड फ्रॉम फॉर माई क्लाइंट्स थ्रू द कॉपी दैट आई हैव रिटन। 3000 से ज़्यादा कॉपी राइटिंग के प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ अब तक मैं अपने करियर में, और रिसेंटली फाइवर ने मुझे top 10 कॉपी राइटर्स उनके प्लेटफॉर्म पर दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर लिस्ट किया था। copywriting.org ने मुझे अपने जो उनकी लिस्ट थी मोस्ट पॉपुलर कॉपी राइटर्स इन 2022 दुनिया में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 18th रैंक आया था। ये फिगर जो है 12 मिलियन डॉलर्स का, इसका बताने का मकसद होता है टू टेल एवरीवन कि मैं किस लेवल ऑफ क्लाइंट्स के साथ हूँ। I went to UET Lahore to study mechanical engineering और 2015 में मैं graduate हुआ था, और just before graduation मुझे याद है मेरी वालदा ने मुझे एक चिट पे लिख के दिए कुछ ना websites के नाम, किया ये फाइवर है और ये एक कोई ओडेस्क है, इस पर जाके ना ऑनलाइन काम लोग करते हैं तो तुम देखो तुम्हें समझ आता है या नहीं। तो मैंने जाके देखा, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, पर मुझे अंग्रेज़ी थोड़ी सी बेहतर थी मेरी, तो मैंने कहा यार और तो कुछ करना नहीं है, चलो यही काम ना अंग्रेज़ी के आर्टिकल लिख के देखते हैं क्या होता है। ये सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ से हम लोग क्लाइंट्स लेते हैं कि हम इनके लिए ईमेल्स लिख रहे हैं, फनल लिख रहे हैं, सेल्स पेजेस लिख रहे हैं, इनके लिए हम फेसबुक के इश्तहार जो टेक्स्ट होता है वो लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं यूट्यूब वीडियोस की। सिंपल लैपटॉप चलाया और गूगल डॉक खोला या MS जो वर्ड है वो खोला, थोड़ी हमने रिसर्च होती है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है कॉपी लिखने का, वो प्रोसेस किया, गूगल डॉक पे या वर्ड पे वो काम लिखा और उसको जमा करा दिया। कुछ भी आप कर सकते हैं उसको कीजिए, कि अंग्रेज़ी अच्छी आती है, थोड़ी सी स्किल सीख लो, थोड़ा बेसिक्स फ्रेमवर्क देख लो और फॉरेन मार्केट में कूद जाओ, क्लाइंट्स हंट करो फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहाँ मिलता है काम उसको काम ढूंढें, काम करें और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं लगेगा तो इन्फ्लेशन और ये चीज़ें जिस हिसाब से आगे जा रही हैं, सैलरीज नहीं बढ़ती हैं हमारी अनफॉर्चुनेटली, तो वो फिर बड़ा गैप आ जाएगा। AI टूल्स मौजूद हैं और ये AI टूल्स भी कॉपी राइटर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, तो जो कॉपी राइटर्स वक्त के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, AI टूल्स को सीख रहे हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाएंगे।